दुल्हन आपको खान सर के साथ बिना किसी दबाव में बाब मोहब्बत निकाह कबूल है, और कहेगी जी कबूल है, वो उसी को खोजता था, हलाला के लिए यही ठीक है, नहीं तो ससुर अपने उठ नहीं पा रहा है, एकरा बस में कौन चीज। अगर आप चाहते कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाए, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। ध्यान से समझिए पूरी बातों को। हलाला ये हो गया, समझ में आ गया ना हलाला, यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें एक रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम एक महीना बाद लौटाएंगे, ले ससुरा कहीं का चौपट कर देगा। क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं एक महीना बाद लौटाएंगे, छह महीना बाद लौटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया है, खटिया पे बैठल होकर उठक बैठल नहीं जा रहा है, तो आदमी उसी को खोजता था, हलाला के लिए यही ठीक है, नहीं तो ससुर अपने उठ नहीं पा रहा है, एकरा बस में कौन चीज है। तो अपनी पत्नी से कहता था देख भाई उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले, अरे हमको बस कानून ना दिखाना है। तो बुढ़ऊ कहेंगे हम काहे लिए निकाह करेंगे, हमको क्या चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, हम हलाला निकाह कबूल करेंगे, अगले दिन डिवोर्स दे देंगे। तो पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल है, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी है एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो तो देंगे, कहेंगे एक दो महीना अभी छोड़ो बाद में हलाला देंगे वहां पर। तो वो बुढ़ऊ काम आता था सब, तो उनका इनकम होता था वहां पर। कोई बूढ़ा बूढ़ा है कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं आइए शादी कर लेते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है चाहिए, अगले दिन बुला के निकाह डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो एक दिन की शादी रहती थी केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी से शादी करने। तो भाई साहब एक तो हलाला अजीब टाइप का सुनने में लगता है, उसको खिचड़ी बना दिया है वहां पर। तो हलाला जानबूझ के बूढ़े लोग से किया जाता था। एक बात बताओ, अगर 3 तलाकें खत्म हो जाएगा हलाला तो ऑटोमेटिक खत्म। तो जो बुढ़ऊ लोग थे स्पेशलिस्ट जो थे कि आज शादी करो कल डिवोर्स देंगे, और हम बूढ़े हो चुके हमारा तो उठक नहीं जा रहा, उनका तो रोजगार गया, काम से खत्म हो गया रोजगार। तो हलाला क्या है आप समझ गए।